सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन, सब्जेक्ट कोड एमई 204, यूनिट फर्स्ट के अंदर आज हम इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है? फर्स्टली कि लास्ट टाइम लिंक, काइनेमेटिक पेयर्स और काइनेमेटिक मैकेनिज्म के बारे में बताया था। काइनेमेटिक मैकेनिज्म, यदि किसी काइनेमेटिक चेन में एक लिंक फिक्स कर दी जाए तो काइनेमेटिक मैकेनिज्म कहलाता है। इन यू कैन से इन काइनेमेटिक चेन इफ यू वन लिंक इज फिक्स देन इट बिकम ए मैकेनिज्म और यू कैन से काइनेमेटिक मैकेनिज्म। काइनेमेटिक चेन के लिए ये जरूरी था कोई भी जो लिंक है जो मोशन करती हैं उनके बीच में कंप्लीट कंस्टेंट या सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन होना जरूरी है, तो वो काइनेमेटिक चेन हो जाती है। और काइनेमेटिक चेन में अगर एक लिंक फिक्स कर दिया जाए तो मैकेनिज्म बन जाता है। नाउ इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म इन ए काइनेमेटिक चेन, इफ यू फिक्स द लिंक वन बाय वन, यानी काइनेमेटिक चेन के अंदर यदि चार लिंक हैं, चार लिंक में से वन बाय वन हर एक लिंक को हम फिक्स करते जाएं, तो जो मैकेनिज्म हमें मिलते हैं या डिफरेंट मैकेनिज्म हमें मिलते हैं वो इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म कहलाते हैं। एंड इन्वर्जन मीन्स इफ यू फिक्स द लिंक वन बाय वन देन डिफरेंट मैकेनिज्म वी कैन अचीव, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। तो अगर फोर लिंक हैं, फोर लिंक काइनेमेटिक चेन में वी कैन मेक फोर डिफरेंट मैकेनिज्म बाई फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स वन बाई वन, दिस इज इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। तो फर्स्ट जो इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म है फोर लिंक चेन या फोर वर चेन के बारे में, तो यहाँ पर फर्स्ट जो दिया हुआ है फोर वर चेन का इन्वर्जन है फर्स्ट बीम इंजन। बीम इंजन फिगर के अंदर आपको बीम इंजन एक दिखाया हुआ है ओल्डन डेज में, कि किसी पंप किसी भी बॉयलर के अंदर वाटर को फीड करना हो तो हम एक बीम इंजन को यूज में ले सकते हैं। बेसिकली इट कन्वर्ट द रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशंस। ये अरेंजमेंट दिखाया हुआ है, यहाँ पर लिंक वन दैट इज फ्रेम वो फिक्स्ड है, ए बी इज द क्रैंक, बी सी इज द लिंक थ्री एंड नाउ सी डी ई इज द लीवर विच इज कनेक्टेड विद द पिस्टन रॉड एंड पिस्टन मूव्स इनसाइड द सिलेंडर, दैट इज लिंक फोर। अब यहाँ पर कि किस कौन किसी क्या मोशन होती है, लिंक ए बी जो है क्रैंक है वो रोटरी मोशन करेगी। इफ़ यू गिव द मोशन टू द क्रैंक इट विल रोटेट, देन लिंक बी सी जो लिंक थ्री कनेक्टिंग रॉड, ये कनेक्टिंग रॉड वो लगा है जो क्रैंक से कनेक्टेड है, ये ऑसिलेट करेगी, ऑसिलेट मोशन करेगी। और लिंक सी डी जो लीवर है दैट इज द फिक्स्ड विद द पिस्टन, पिस्टन विल मूव इनसाइड द सिलेंडर इन रेसिप्रोकेटिंग मोशन। और जो कि पॉइंट डी पर हिंज्ड है, तो जब लिंक ए बी रोटेट करती है क्रैंक देन बी सी विल बी ऑसिलेट एंड सी डी ई विल बी ऑसिलेट एज वेल एज पिस्टन विल बी रेसिप्रोकेट। जो रिजल्टेंट जो आपको मिलेगा कि वो पिस्टन रॉड जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगी। एंड नाउ लिंक वन वाज द फिक्स जो कि सिलेंडर है और फ्रेम है, ये फिक्स्ड है। इस तरह से हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन हम मिलती हैं और रेसिप्रोकेटिंग पंप के थ्रू हम कैन की फीड द वाटर इनसाइड द बॉयलर। नाउ सेकेंड लिंक या सेकेंड मैकेनिज्म दैट इज कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव्स। लोकोमोटिव्स के कपलिंग रॉड्स को दिखाया हुआ है यहाँ पर मैंने, या इसको बोलते हैं हम डबल क्रैंक मैकेनिज्म, क्योंकि फोर बार लिंक मैकेनिज्म है इसमें लिंक ओ वन ओ टू जो है आपका फिक्स्ड है, दो व्हील्स पे बना हुआ होता है, दो व्हील्स पे जो कनेक्टिंग जो आर्म है वो दैट इज ओ वन और ओ टू फिक्स होती है। लोकोमोटिव्स के अंदर
जो इंजन के साथ में लोकोमोटिव बॉयलर्स जहाँ रखे रहते थे उस टाइम इंजन थ्रू स्टीम इंजन से हमें व्हील्स को पावर देनी होती थी, तो व्हील्स को एट ए टाइम हमें पावर मिलती थी, एक व्हील से दूसरे व्हील में कैसे ट्रांसफ़र हो, तो दैट इज़ अ डबल क्रैंक मैकेनिज्म। तो लिंक O1 O2 इज द फिक्स लिंक, नाउ O2B दिस इज सेकेंड लिंक एंड O1C इज द थर्ड लिंक, ये दोनों क्रैंक्स हैं। एंड लिंक BC, दोनों क्रैंक को जोड़ने वाली लिंक BC जो व्हील्स के आउटसाइड पर यानी आउटर पेरीफेरी पे लगी रहती है, दैट इज द कपलिंग रॉड यू कैन से। नाउ दोनों जो क्रैंक होती हैं लिंक 2 और 4 यहाँ दिखाया गया है, यानी O2B एंड O1C इट विल रोटेट, रोटेट करेंगी। BC इज द कपलिंग रॉड बिट विल ऑसिलेट, दिस इज द कपलिंग रॉड विल ऑसिलेट। तो लिंक 1 इज फिक्स्ड, लिंक 2 और 4 इज द क्रैंक विच विल रोटेट, लिंक 3 इज द कपलिंग रॉड विट विल ऑसिलेट एंड यूज और इट इज यूज इन द लोकोमोटिव व्हील्स। जो स्टीम इंजन जनरली ये स्टीम इंजन से जो पावर आपको ट्रांसफ़र करना होती है व्हील्स के थ्रू ऑन द रेल यानी पटरियों रेल के पटरियों पर, तो ये मैकेनिज्म हम यूज में लेते थे। नाउ थर्ड वन इज नेक्स्ट इज द वाटर इंडिकेटर मैकेनिज्म, इट इज़ कॉल्ड डबल लीवर मैकेनिज्म। ये क्या होता है, किसी भी IC इंजन्स के अंदर यदि हमें इंडिकेटिंग प्रेशर यू कैन से कि आपका जो गैस प्रेशर है इनसाइड द सिलेंडर अगर मेजर करना होता है, तो हम इंडिकेटर मैकेनिज्म हैं वो वाटर इंडिकेटर मैकेनिज्म कौन से ही यूज़ में लेते हैं। तो जनरली ये अरेंजमेंट जो है सिलेंडर के टॉप पर लगाते हैं, एक सिलेंडर के टॉप पर आपका ये इसका जो गैस जो आपके इनसाइड द सिलेंडर आफ्टर कम्बशन ऑफ द फ्यूल जो गैसेस फॉर्मेशन होती हैं उस गैसेस को प्रेशर मेजर करने के लिए एक गैसेस के लिए टैपिंग की जाती है और वो जुड़ा रहता है इंडिकेटर सिलेंडर से। तो इंडिकेटर सिलेंडर से में पिस्टन होता है, तो इनसाइड द सिलेंडर जैसे ही गैस प्रेशर बढ़ता है तो पिस्टन विल मूव, पिस्टन मूव जितना करता है, जितना पिस्टन मूव करेगा यदि उसको हम ट्रेस आउट कर लें थ्रू द दिस इंडिकेटर मैकेनिज्म, तो वो आपकी गैस प्रेशर को कैलिब्रेट कर लें। मतलब जो प्रेशर अकॉर्डिंग टू प्रेशर पिस्टन मूवमेंट सिलेंडर पिस्टन मूवमेंट होगी, उस पिस्टन मूवमेंट को यदि हम कैलिब्रेट कर लें इन लीनियर फॉर्म दिस इज ई एंड ई डैश, तो वो आपका जितने आपकी डिस्टेंस आएगी वो आपके प्रेशर को मेजर करती है। तो इसमें क्या है कि IC इंजन्स के अंदर जो इंडिकेटिंग प्रेशर है या जो मीन इफेक्टिव प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए ये मैकेनिज्म लगाया होता है। तो यहाँ पर जो है लिंक CE थर्ड लिंक एंड लिंक BFD, लिंक CE थर्ड लिंक, दिस इज CE, नाउ BFD, दिस 3 और 4 लिंक जो हैं ये लीवर्स हैं। नाउ जो लिंक AC है दिस इज 2 नंबर, लिंक A to C जो ए हिंज एंड है इट विल ऑसिलेट। लिंक 1 इज द फिक्स, दैट इज अ सिलेंडर यू कैन से इंडिकेटिंग प्लंजर, ये फिक्स्ड होता है। तो इसमें वर्किंग कैसे होती है, जैसे ही पिस्टन टॉप पर मूव करेगा तो लिंक BFD इट विल मूव द लिंक CDE एंड लिंक AC। तो लिंक BFD की मूवमेंट जो होगी रेस्पोंडिंग टाइप में होगी एंड जो BFD की जो मोमेंट जो पॉइंट ई होगा वो ई से ई डैश पे मान लीजिए आ जाता है, तो जो डॉटेड लाइन्स जो शो की हुई हैं इट इज़ द मोमेंट ऑफ द होल ऑफ द मैकेनिज्म एंड देन ई टू ई डैश इज द मेजर ऑफ द प्रेशर इनसाइड द प्लंजर, दट इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड वी कैन कैलकुलेट इट इजीली, दिस इज द वाट इंडिकेटर मैकेनिज्म। तो दिस द मैकेनिज्म इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, फोर बार लिंक मैकेनिज्म, इन्वर्जन ऑफ फोर बार लिंक मैकेनिज्म। फर्स्ट वन इज द कि इन्वर्जन जो फोर बार लिंक होता है वो लास्ट टाइम बताया था कि 1 इज द लिंक द फिक्स्ड, 1 अनदर इज द क्रैंक, 3rd इज द ऑसिलेटिंग एंड 4th इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग। तो इस तरह से ये हम मैकेनिज्म और भी मैकेनिज्म को मिल सकते हैं। थैंक यू।